बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। राहुल गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंच चुके हैं और आइए सीधे आपको पेरम्बदूर ले चलते हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं। राजीव गांधी मेमोरियल पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है और इसी यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे राहुल गांधी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, राहुल गांधी केरला से सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी इस राजीव गांधी समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। ये उनका पहला दौरा है इस समाधि स्थल का। 1991 में इसी जगह पर राजीव गांधी की स्वर्गीय राजीव गांधी की पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और आज उनके पुत्र कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर करीब करीब वो 2 घंटे बिताएंगे, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। राहुल गांधी यहाँ पर आ चुके हैं और अब वो यहाँ पर इस समाधि स्थल पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने स्वर्गीय पिता को। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कुछ समय व्यतीत करने के बाद करीब 9 बजे के आसपास में राहुल गांधी यहां से वापस चेन्नई जाएंगे। राहुल गांधी तमिलनाडु में कल शाम एक रेगुलर फ्लाइट से चेन्नई पहुँचते हैं, उसके बाद रात्रि विश्राम वो चेन्नई के एक होटल में करते हैं। वहाँ से आज सुबह 6:45 पे उनका आगमन यहाँ पर श्री पेरम्बदूर में, जो चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर वो पहुँचते हैं। और अब राहुल गांधी आप देख सकते हैं कि कैसे वो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समर्थकों के साथ वो यहाँ पर इस राजीव गांधी स्मृति स्थल समाधि स्थल पर पहुँचे हैं और राहुल गांधी यहाँ पर अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद करीब शांति पाठ में भाग लेंगे। शांति पाठ में भाग लेने के बाद करीब 2 घंटे तक यहाँ रहने के बाद राहुल गांधी यहाँ से चेन्नई वापस जाएंगे सड़क मार्ग के द्वारा। उसके बाद वो कन्याकुमारी पहुँचेंगे और कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर की देशव्यापी यात्रा है, करीब करीब 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार, उन्होंने आगवानी की है और राहुल गांधी यहाँ पर हैं और राहुल गांधी के अब उनका स्वागत किया जा रहा है और राहुल गांधी अब अपने पिता की समाधि स्थल तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये उनका पहला, खास बात ये इस दौरे का यहाँ पर कि ये उनका पहला दौरा इस श्री पेरम्बदूर के समाधि स्थल का है। हत्या के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी अपने परिवार की शहादत का जिक्र करते रहे हैं, कई मौक़ों पर जिक्र करते रहे हैं, कई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जिक्र करते रहे हैं। आज यहां पर पहुंचकर वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर वो करीब एक शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ से फिर वो कन्याकुमारी पहुँचेंगे और कन्याकुमारी में से वो भारत जोड़ो यात्रा, जो बहुत कांग्रेस पार्टी की एक महत्वाकांक्षी यात्रा है, फुटवॉक है, पैदल यात्रा है, वो उसकी शुरुआत करेंगे। 150 दिनों तक की ये यात्रा होगी, 3,570 किलोमीटर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर 4 दिनों तक तमिलनाडु में रहेगी। उसके बाद इसका प्रवेश केरला में होगा। केरला में यात्रा के बाद ये कर्नाटक पहुँचेगी, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होता हुआ फिर महाराष्ट्र में पहुँचेगी। तो काफ़ी व्यापक ये कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और राहुल गांधी जी अभी यहाँ पर अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिक्रमा कर रहे हैं और इस परिक्रमा के बाद वो शांति पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर शांति पाठ में वो शामिल होंगे और यहाँ पर वो बैठेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।